खुशी उत्साह उमंग उल्लास के साथ नमस्कार। दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मातृभूमि न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिला प्रमुख उर्मिला जैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ नगर परिषद धर्मशाला जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण। 12 को 26 जून में नगर परिषद 12 की धर्मशाला के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण रविवार को जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। संकल्प सोसाइटी द्वारा SBI लाइफ के सहयोग से सूखा राशन किट का वितरण किया गया। 12 में संकल्प सोसाइटी मामोनी द्वारा SBI लाइफ के सहयोग से रविवार को सहरिया समुदाय के वृद्धावस्था, दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा राशन सामग्री से वंचित पीड़ित महिलाओं को सूखा राशन किट का वितरण किया गया। आज 12 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आबिर कागजी को 27 तारीख की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह के लिए 12 अटरू विधानसभा के लिए लगाया है प्रभारी। आबिद कागजी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 12 में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला महामंत्री शेरू खान ने बताया कि अग्निपथ के विरोध 12 पर कांग्रेस जन 27 को करेंगे शांतिपूर्ण सत्याग्रह। नेचर वेदा स्वास्थ्य जागरूकता मिशन ने कई कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। कोटा में नेचर वेदा स्वास्थ्य जागरूकता मिशन ने सत्र 2022 से 2023 से कई स्वरोजगार सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया। सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने हेतु नेचर वेदा एक्यूप्रेशर योग संस्थान स्थापना की गई है। टीके लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया। छिपाबड़ोद में तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोर्धनपुरा में टीकाकरण के दौरान रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। तुमड़ा गांव की रहने वाली गरीब महिला ने लगाया 500 रुपए रिश्वत लेने का महिला नर्स के ऊपर आरोप। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।